सतना जिले के रामपुर बाघेलान क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक आउटसोर्स कर्मचारी की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा यहां फूट पड़ा। उन्होंने शव को लेकर बिजली दफ्तर के सामने रख दिया और बिजली दफ्तर के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीड़ इतनी बढ़ी कि हालात पर काबू पाने मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक रामपुर बाघेलान क्षेत्र के सज्जनपुर स्टेशन अंतर्गत बिजली कंपनी के एक आउटसोर्स कर्मचारी की बिजली का करंट लगने के साथ मौत हो गई थी। मृतक की पहचान जीतराज पटेल निवासी गाड़ा के रूप में की गई है। बताया जाता है कि जीतराज ट्रांसफार्मर के पास चढ़कर 11 केबी लाइन में काम कर रहा था, तभी अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई और जीतराज करंट लगने से झटका खाकर सीधे नीचे गिर गया। यह देखते ही वहां खड़े लोगों में कोहराम मच गया। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल सतना लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लगभग आधा सैकड़ा नाराज लोग जिला अस्पताल से सीधे प्रेम नगर स्थित बिजली कंपनी के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पहुंचे। नाराज लोगों ने यहां नारेबाजी करते हुए घेराबंदी कर ली और बिजली कंपनी के अमले पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। इस बीच सूचना लगने पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक हंगामा कर रहे लोगों को समझाइश दी गई और मृतक के परिजनों को 9,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति और 25,000 रुपए का तत्काल आर्थिक मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर यह आक्रोश ठंडा पड़ा। यहाँ पे जो लाइनमैन है रूपेश सिंह पटेल और जेई सुशील मिश्रा और जो लाइट सब स्टेशन पे स्टेशन मास्टर जो है, इनकी लापरवाही तीनों की है। क्योंकि जब बिजली लाइट परमिट ली गई थी तो परमिट लेने के बाद बिजली चालू कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है बिजली विभाग के ऊपर खड़ा होता है। और सबसे पहली बात तो है कि आउटसोर्स के कर्मचारी को खंभे पे चढ़ाना ही अथराइज ही नहीं है, लेकिन ये बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही। सतना जिले में कई घटनाएं घट चुकी हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने 11 बजे की घटना है, 11 बजे से लेके हम लोग कोई जानकारी नहीं मिली, इधर उधर से जानकारी मिली, तब लोग हम लोग आए, तब तक यहाँ बाड़ी अपने से लेके और पहुंच गए थे, बोले जीवित थे इसलिए हम लोगों ने लाया था। और जब यहाँ हॉस्पिटल लाए तो यहाँ मृत घोषित कर दिया गया तुरंत ही, बोले ये बहुत देर पहले ही खत्म हो चुके थे। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा छोड़ के भाग दिया गया। और हमारी मांगे हैं, जो मांगे थी तो उन्होंने 9,00,000 रुपए देने का प्रावधान किया है, 25,000 रुपए जो है तो इन्होंने दिया। हमारी मांगे 20,00,000 रुपए थी, लेकिन इन्होंने जो नियम के अनुसार है 9,00,000 रुपए, 4,00,000 नगद भुगतान बिजली विभाग के द्वारा और 5,00,000 बीमा कंपनी के द्वारा और 25,000 रुपए सहायता राशि अंतिम संस्कार के लिए दी गई है। पिछले 11 बजे से घटना हो गई, बिरला ले गए, बिरला से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर्मचारियों ने, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने छोड़ दिया और कोई खबर नहीं ली, खोज खबर नहीं ली, क्या है, कैसा है, परिजन है कि नहीं है, आए कि नहीं आए, जो है ये कोई खबर नहीं ली गई जो है कर्मचारियों को। सूचना कैसे मिली? परिजनों को सूचना जो दूसरों के द्वारा जो है, जैसे जहां एक्सीडेंट हुआ दूसरों के द्वारा परिजनों को सूचना दी गई। MPB कार्यालय आने की मजबूरी ये है कि भाई आपके विभाग का कर्मचारी है और आपके विभाग के कर्मचारी होने के बाद एक सहानुभूति होती है। कोई कर्मचारी नहीं, सब भाग खड़े हुए। जब परिजन आए तो बॉडी, डॉक्टरों ने कहा ये बॉडी है, बॉडी ली गई। लगातार यशी साहब से फ़ोन लगाने का प्रयास किया जा रहा है, 11 बजे से बात चल रही है पर फोन यशी साहब ने नहीं उठाया। अभी आप लोग बिजली अभी मैं एक घंटे से यहाँ बॉडी को लेकर MPB के डिवीजन अधिकारी रामपुर के जो है कोई डी साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा आप एथराइज पर्सन हो, उन्होंने कहा हाँ साहब मैं एथराइज हूँ। और लड़के के परिजनों ने जो है तो डी साहब से मांग रखी है, इनकी जो मांगे हैं कि जो अपराधी है लाइनमैन और जो जेई है, जो लाइट चालू किया, इसके खिलाफ धारा 302 के तहत जो है FIR की जाए और एक कर्मचारी को सरकारी नौकरी दी जाए और 20,00,000 रुपया जो है 10,00,000 रुपये नगद और जो 10,00,000 रुपये उनके बीमा कंपनी का आता तो वो। जो जानकारी मिली है सज्जनपुर में आउटसोर्स कर्मचारी श्री जीतराम पटेल की,
जीतराज पटेल की करंट लगने से मृत्यु हुई है, और इसमें जो लापरवाही, जो लाइन स्टाफ है श्री रूपेश पटेल की लापरवाही सामने आई है, और उसके लिए हमने पुलिस प्रशासन से भी बात की है, तो उन्होंने भी FIR दर्ज करने के लिए सहमति दी है। उनकी मांगे हैं कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए और नौकरी पे एक सदस्य को रखा जाए, और जो भी प्रावधान है जो घातक दुर्घटना में जिनकी मृत्यु होती है वो सब उन्हें सहायता दी जाए। जो जैसा कि मैंने बताया लाइन स्टाफ के खिलाफ अभी सस्पेंड तो उसको कर दिया गया है, और FIR भी उसकी दर्ज करवा रहे हैं।